मेरे मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज हम महिला कांग्रेस, आज हम विमला जी के विषय में हम बात करने के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है। काफ़ी दिन पहले यहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल में हमारी डायरी फॉर्म की एक बहन विमला जी का जो हादसा हुआ उनके साथ, उस तरह का हादसा दोबारा ना हो इसके लिए हमने आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होता है तो हम उनके ऊपर भरोसा करके जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तो हमको अपने में भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम और कैसे वहाँ पे जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, आज जिससे भी पूछो बोलते जीबी पंत जाना, बोलते दोबारा क्या आना कि नहीं आना वहाँ से। तो ये जो खौफ है, ये जो डर है लोगों के बीच में, इसको हमें बाहर करना है, क्योंकि जो हादसा हुआ 21 वर्षीय जो विमला जी का, तो हम वो परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, और वो दुख की घड़ी में हम उनके पूरे परिवार के साथ हैं और पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरी महिला कांग्रेस की एक सहानुभूति है उनके साथ। अब जो हादसा हुआ उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी, जो वहाँ पर एडमिट किए उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था कि मुझे नहीं पता, जब वो वहाँ पर गई तो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया और उनका डेथ हो गया, तो ये एक नेचुरल डेथ तो नहीं लग रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ होगा या कोई बात हुआ होगा, इसका तय तक जाना तो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन जो भी हादसा हुआ ये बहुत दुखद है, बहुत भयभीत करने वाला मामला है। इस तरह के आए दिन इस तरह का मामला होते रहता है, इस तरह का मामला होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम पूरा विश्वास हमारे डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो हमारा इलाज कैसे करते हैं, हमको कैसे दवा देते हैं। आज यहाँ पर जीबी पंत में देखा गया, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वीडियो में कहते हुए कि जीबी पंत में गए थे, वहाँ पे दवाई नहीं मिला, हमें प्रॉपर इलाज नहीं था, लेकिन एक समय था जब पुराने सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे रहा करते थे तो बहुत कम केस ऐसा आता था कि किसी का डेथ हो गया, मैक्सिमम लोगों का अच्छा प्रॉपर इलाज होता था, मेडिसिन की व्यवस्था थी, लेकिन आज व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। तो हमें सिस्टम को ठीक करना होगा, जो सिस्टम है आज वहाँ पे, ये मेडिकल के जो डॉक्टर्स है, सेक्रेटरी हेल्थ है, LG साहब है, इन CS साहब है, इन सबको मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जीबी पंत के विषय में आप एक छोटा सा कमेटी बनाइए और सभी लोगों से, जितने भी जानकार लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, ताकि इस तरह का मामला और दोबारा ना हो। क्योंकि एक मामला, ये जो मामला है सिर्फ विमला का मामला नहीं है, आइलैंड का विषय है, एक बच्ची का विषय है, उनके परिवार का मामला है। आप सोचिए, छोटी सी 21 वर्षीय लड़की हॉस्पिटल जाती है, उसका डेथ हो जाता है, तो कितना दुखद बात है, उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है जिसका भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। एक छोटा सा बच्चा छोड़ गए, उनका हस्बैंड मछली मारने के लिए बाहर जाता है, आप सोचिए वो बच्चा को भविष्य क्या है, बच्चा को किसके पास छोड़ के जाएंगे, अगर कोई भी अगर परिवार वाले भी अगर देखते हैं तो वो कितना दिन तक देखेंगे। तो ये सब एक सवालिया निशान खड़ा होता है, इस तरह का जो वारदात होता है तो इसके पीछे हमें क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब प्रशासन को सोचना पड़ेगा और हमको भी आगे आना पड़ेगा कि इस तरह का जो वारदात है दोबारा घटना, इस तरह का घटना ना हो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, काफी लोग उस दिन आए थे, वहाँ पे बात हुई, 7 दिन तक उनको मेहनत मशक्कत करना पड़ा, लोगों को रोड में उतरना पड़ा, लोगों को अपना आवाज रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा, तब जाके कुछ न्याय, थोड़ा से राहत मिला। लेकिन ये ऐसा क्यों, जब इस तरह का मामला आता है तो खुद प्रशासन को सामने आना चाहिए, मेडिकल के डॉक्टर को सामने आना चाहिए, जो सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टर है, उनको सामने आके बोलना चाहिए, ना कि आम जनता को आना चाहिए, तो उनको इसका जवाबदारी उन लोगों को देना चाहिए। वो दिन मैंने देखा कि काफी लोग, पार्टी के लोग, मीडिया के लोग, आप लोग सब लोग वहां पे थे, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना जो भीड़ आया था तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इंसानियत आज भी जिंदा है, क्योंकि इंसानियत के तौर पे लोग वहां पे आए थे। मैं एक पार्टी का विषय नहीं बोलूंगी, उस दिन जो लोग आए थे पार्टी से संबंधित लोग नहीं थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे, मोपला एसोसिएशन थे, लोकल बॉन्ड वाले थे, काफी हमारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग थे, मलयाली थे, काफी लोग थे वहां पे, इतना भीड़ था वहां पे, तो अपना बात रखने के लिए आए थे, अपना रोष प्रकट करने के लिए आए थे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो घटना है, एक बार घटा, दो बार घटा, कितना बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, आजकल मैं देख रही हूँ कि हॉस्पिटल में जीबी पंत में ये इस तरह का घटना बार बार घटता है। तो मेरी ऐसे लोगों से मेरी सहानुभूति भी है कि मैं इस विषय पे क्या बोलूं, क्योंकि हमारा हाथ, हम सवाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, लेकिन जो कदम उठाना है तो प्रशासन को उठाना है और हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाना है। तो मैं इस विषय में और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन लोग यहाँ पे रोष प्रकट कर रहे थे वो लोग राजनिवास में गए, अपना बात रखे, उसके बाद वो लोग गोल घर गए, बंगाली क्लब गए, काफी लोग वहां पे थे, लेकिन इसमें एक विषय मेरे से छूट गया कि मैं ये कहना चाहूंगी, जिस दिन वहां पे लोग शांतिपूर्वक अपना बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या था मुझे नहीं पता, उस दिन उन्होंने औरतों को बाल पकड़ के खींचा और उनको लाठीचार्ज भी किया। लेकिन ये देखिए, कानून व्यवस्था है, सही बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का काम है, अगर गलत कुछ हुआ तो उसको रोकना भी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ वहां कुछ गलत हुआ नहीं था, वो लोग अपना आवाज रख रहे थे, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है, संविधान में हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को रखें, अपना रोष प्रकट करें,
करें, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे थे। वहां पे बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे, कम लोग थे, फिर ऐसी क्या मतलब दुविधा आन पड़ी कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, उनको बाल पकड़ के खींचा गया, औरतों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। तो मैं इस विषय पे मैं इस चीज की निंदा करती हूँ, और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं गुहार करती हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ना करें। महिलाएं भी हमारी समाज का हिस्सा होती है, उनको भी इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपको कोई बात अगर कहना है तो आप आंसू गैस का गोला छोड़ते, अपना बात रखते, थोड़ा लाठी से सरका देते, लेकिन मारना ये तो सरासर गलत है। तो मैं विनती करती हूँ डीजीपी साहब से भी, इस तरह का जो वारदात है दोबारा ना हो, इस तरह का घटना दोबारा ना हो, महिलाओं को भी ऐसा खौफ का माहौल में ना जीना पड़े, अपनी बात रखे। और मैं आम जनता से भी यही अपील करना चाहूंगी, अगर अपनी बात है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखे, अपना बात रखना हमारा अधिकार है, अपना अधिकार से हम वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि हमको अपना बात रखने का संविधान ने अधिकार दिया। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बोलना चाहिए, अगर खामोश रहेंगे हम, एक आदमी खामोश रहेगा, हम सोचेगा कि हम नहीं बोलेगा, तो ऐसे नहीं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो जब ये लोग, जब महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर कोई जगह गलत हो रहा है, तो मैं आम जनता से, अंडमान निकोबार के निवासियों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप अपना बात को रखें, और ऐसा ना करें कि डरे नहीं किसी से, अपना बात रखना अपना कानूनी अधिकार है। तो मैं आप लोगों का आज इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ महिला कांग्रेस की मेरी फातिमा मैडम और बिंदु मैडम भी है, आज इस विषय पर वो भी अपना बात रखेंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम बिंदु है, मैं भी महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ, और मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि विमला जी के साथ में जो हुआ, इससे पहले मैडम जुबैदा ने बहुत अच्छा इसके बारे में कहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ, जैसे कि अंडमान के लिए बहुत बड़ी बात है, जी बी पंत हॉस्पिटल जो है वो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ के लोग जो गरीब है, जो बहुत नीचे दर्जे के हैं, वो वहीं पे अपने इलाज के लिए जाते हैं, उनका और कोई ऑप्शंस नहीं रहता, उनका कोई जरिया नहीं है कि कहाँ जाके वो अपना इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए सारा सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से इलाज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीबी पंत के डीएचएस मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एनिम्स के मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैडम, जो गलत हो रहा है, उसे रोकने के लिए सबसे पहले आप ही को कदम उठाना है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक काउंसलिंग करिए, सारे डॉक्टर्स को बुलाइए, जितने इंटर्न्स हैं वहाँ पे, सारे बच्चों को बुलाइए, वहाँ पे बुला के उनको बताइए कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले इलाज करें, उसका जान उसे उसका टेस्ट करें कि उसको जाँच करें, उसके क्या उसे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जब आते हैं वहाँ पे, उनका बैठा के उनका इंतजार करवाते हैं, तो उनसे वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर का व्यवहार, डॉक्टर की बातचीत, वही उसके आधा बीमारी को ठीक करता है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि डीएचएस मैडम, सुधा मैडम, और मैं एनिम्स की जो मैडम है उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान करिए कि क्या बात है, क्या कमी है, कहाँ पे कमी है, जिस वजह से आम जनता इसका परेशानी उठा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि पेशेंट जब भी आता है, मैं खुद कुछ दिन पहले मैं अपने टेस्ट के लिए गई थी, मैं लाइन में खड़ी रही, बाकायदा मैं लाइन में खड़ी रही, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सीनियर सिटीजन जो उनको बैठने का जगह नहीं है, वो बहुत देरी सवेरे से इंतजार करते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक इंतजार करते हैं अपना ब्लड टेस्ट के लिए, सारा टेस्ट के लिए। तो आप सोचिए, जो गर्भवती महिला है वो भी खड़ी रहती है, आप लोग सबसे पहले वहाँ पे बैठने का सुविधा करिए। मैडम बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, मैंने देखा है, और जब भी मैं वहाँ पे मिलने जाती हूँ पेशेंट से, तो वो अपना परेशानी ही बताते हैं कि मेरा इलाज ऐसे नहीं हुआ, हम लोग को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से दवाई नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी खामियाँ हैं मैडम, उसको आप लोग ही ठीक कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने बातों को सामने रख सकते हैं, हम आम जनता है, हम तो आपसे बहुत उम्मीद करके पेशेंट आते हैं आपके पास में। और सबसे और अच्छी बात ये थी कि विमला जी के साथ में जो हादसा हुआ, उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है, और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग उसमें जुड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा यूनिटी भी है आज अंडमान निकोबार में। तो मैं सारी आम जनता से विनती करती हूँ कि आपके बात को रखिए, जरूर रखिए, शांतिपूर्वक रखिए, आप लोगों को रखने का अधिकार है, जैसे भारत का लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है, हमारा वो पूरा अधिकार है कि हम अपनी बातों को रखें। इसीलिए मैं जनता से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई कमी लग रहा है, आप लोग जरूर बात करिए, आप वहाँ के सेक्रेटरी हेल्थ से भी आप बात कर सकते हैं कि हमारे ये कमियाँ हैं आपके जीबी पंत में। तो मैं यही जनता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर बोलिए, लेकिन शांतिपूर्वक बोलिए। वैसे ही मैं मैडम से भी, दोनों मैडम से मैं निवेदन करती हूँ कि इस विषय में आप लोग जरूर कुछ सोचिए मैडम, और इसका कुछ ना कुछ एक हल कर जो सॉल्यूशन निकालिए। इसीलिए मैं आप सबसे फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और फिर से एक बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस बात को गहराई से लीजिए मैडम, क्योंकि सब कुछ आप ही के हाथ में है। मैं इतना ही कहकर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार,
मीडिया के सभी कर्मियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार आदाब। अभी हमसे पहले जो दो मैडम ने बात कही वही बात मैं भी कहना चाहूँगी। हाल ही में जो हादसा हुआ है दीपांत हॉस्पिटल में, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आईलैंडर के लिए एकमात्र हॉस्पिटल दीपांत हॉस्पिटल है। अगर हमारा यहाँ का गरीब लोग को वहाँ पे सही इलाज नहीं होगा तो वो जाए तो कहाँ जाए, उनका पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो मेनलैंड जाके अपना ट्रीटमेंट करे, तभी तो दीपांत हॉस्पिटल में आना चाहिए, आना पड़ता है उनको। और वहाँ पे इलाज ठीक से होना चाहिए। वो सवेरे से वो महिला 4 घंटा वेट करती रही, उनको बेड नहीं मिला, बेड की कमी थी। ऐसा होने से कैसा होगा, जो एकमात्र हॉस्पिटल है और वहाँ पे भी बेड नहीं है, और मैं जहाँ के खड़े रहना पड़ता है, जो ब्लड टेस्ट के लिए सुबह से जाते हैं उनको कम से कम लाइन में 3 घंटा भूखे खड़े रहना पड़ता है, फास्टिंग टेस्ट उनका होता है। ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना नाम हुआ करता था जीवन का, आज उसी हॉस्पिटल में इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही है। यहाँ के लोगों का जो स्थिति है, यहाँ का जो प्रशासन को देखना चाहिए, यहाँ CS है, हमारे LG साहब है, MP सर है, उनको ये सब की कमियों के बारे में देखना चाहिए। ये हमेशा खाली बोलते रहते हैं कि अंडमान के लिए ये सुविधा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जो परेशानी उठाते हैं वो उठाते ही रहते हैं, उनका कोई सलूशन नहीं होता है। के लिए हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि उनको इस जो घटना घटी है इसके ऊपर पूरा ध्यान से, उनको ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अंडमान के लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए एक दीपन हॉस्पिटल ही है जहाँ पे सही डॉक्टरों का भी कमी है। अभी जो है सीनियर डॉक्टर से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स जो है केस को अटेंड करते हैं, उनका पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो सही इलाज दे। तो हम ग्यारह चरमा हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर रहते हुए भी जूनियर डॉक्टर जो है उनको देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। जब सीनियर डॉक्टर है तो एटलीस्ट उनको देखना चाहिए केस कैसा है, क्या केस है, तभी तो छोटे छोटे इलाज के लिए तो चलो सीनियर डॉक्टर को नहीं भी देखते तो जूनियर डॉक्टर देखते सही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो उनको सीनियर डॉक्टर्स को देखना चाहिए कि पेशेंट का क्या हालत है, उनको क्या है। अभी जैसा उस महिला को एक इंजेक्शन दिया और उनका डेथ हो गया, उनको क्या प्रॉब्लम था ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को गहराई से लें और इसके लिए जो सही सलूशन है तो करें। इतना कहकर मैं अपना बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।